ठीक है आ रहे ना, चलिए। हाँ रागिनी शुरू कर दीजिए। नेटवर्क समस्या है वहाँ पे, सुनने में नहीं आ रहा, मतलब वॉइस नहीं आ रही है। आगे के कार्यक्रम संचालन के लिए सीमा मिश्रा मैम को आमंत्रित करूंगा कि वो आगे का आप सभी को नमस्कार। मैं सीमा मिश्रा बड़ौदा बाजार जिले से। आज के हमारे चलो पढ़ते हैं पढ़ाते हैं कार्यक्रम के अंतर्गत हम अपने अभी तक के बने नायकों से उनकी जुबानी उनके अनुभव को साझा कर रहे हैं। इसी कड़ी में दुर्ग संभाग से हमारे पास अभी 3 शिक्षक एवं 1 शिक्षा साथी के रूप में कार्य करने वाले डॉक्टर निधि देशमुख से रूबरू हुए हैं। अब अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम बस्तर संभाग से डॉक्टर प्रमोद शुक्ला को आमंत्रित करेंगे कि वे अपना ऑनलाइन कक्षाओं का अनुभव हमारे साथ साझा करेंगी। डॉक्टर प्रमोद शुक्ला को हमारे नायक कार्यक्रम के अंतर्गत नायक घोषित किया गया था। वे बस्तर संभाग से हैं, सुदूर वंचल क्षेत्र से, जहां नेटवर्क की समस्या की वजह से बच्चों को ऑनलाइन कक्षाओं से जोड़ना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन उन्होंने अपने प्रयासों से अधिकतम बच्चों को अपनी कक्षाओं में जोड़ा। तो श्री डॉक्टर प्रमोद शुक्ला सर, आप अपनी बात सभी से साझा करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मिश्रा मैडम। और सबसे पहले मैं धन्यवाद दूंगा सुधीर सर, इनिशिएटिव बहुत ग्रेट आपने जो किया है आपके मार्गदर्शन में, सब जो कर रहे हैं डॉक्टर आलोक शुक्ला सर के मार्गदर्शन में। मुझे बड़ा आश्चर्य होगा, पहले इस चीज को शेयर करती हूँ, मैं नेट पे सर्च कर रहा था गूगल पे कि आज बोलना है तो क्या कुछ डींग है, पीएचडी स्कॉलर रहा हूँ ना, तो वो रिसर्च करने की आदत है, सबकी होती है, मेरी भी आदत। तो गूगल पे मैं सर्च कर रहा था ये जानने के लिए कि वास्तव में ऑनलाइन टीचिंग फॉर इंडिया की स्थिति मुझे पता है, लाइव क्लासेस की स्थिति पता है ना, छत्तीसगढ़ टॉप में। मैं ऑल वर्ल्ड को सर्च कर रहा था, अमेरिका का देखा, हॉलैंड मतलब यूरोपियन कंट्रीज का स्पेशली देखा, मैं पाया वहां पे लाइव क्लासेस की जगह में मतलब वो जो उनका पुराना पैटर्न था मोबाइल को लेकर, ये जो हमारा पैटर्न है कि एक PTDCGschool.in हम लोगों ने वेबसाइट बनाया, वेबसाइट के लिंक के जरिए जो पढ़ाई, ये इस तरह की पढ़ाई मैंने नहीं पाया। मैं तो बहुत ही इस बात को शेयर करते हुए गर्व महसूस कर रहा हूँ कि CGschool.in जो ये माध्यम है पढ़ाने का, PTD जिसने भी परिकल्पना की, सुधीर सर, आलोक शुक्ला सर, मतलब तो ये जो टीम है, मुझे बड़ा गर्व लगा कि ऐसा यूरोपियन कंट्रीज तक में नहीं हो रहा है। वहां क्या कर रहे हैं, टेबलेट में ऐप के माध्यम से वहां पे जो भी है मटेरियल दे रहे हैं, फेस टू फेस, लेकिन वो फेल हो गया था। अब मैं अपने मुख्य बात पे आता हूँ। CGschool.in के बारे में फर्स्ट टाइम लाइव क्लासेस मुझे 22 अप्रैल को पता चला था। मुझे थोड़ा बताइएगा कि एम आई ऑडिबल, मेरी आवाज आ पा रही है मैडम? जी आ रही है। हाँ मैं बताना चाहूंगा, 22 अप्रैल को मैं पहली बार जाना CGschool.in के बारे में, और उस समय जब मैं वो किया तो मुझे एक हेल्प देता था, एक नंबर कहीं से मिला था बिलासपुर से, नितेश जी उनका काफी नितेश जी से, फिर विद इन 2 डेज लाइव क्लासेस वगैरह सब जो भी चीजें समझ गया। फिर मुझे लगा कि नेटवर्क इशू तो है, लेकिन मैं जो लाइव क्लास का लिंक हूँ उसे कैसे किया जाए। तो लाइव क्लास का लिंक मैंने मई पे शेयर 16 मई को शेयर किया इधर उधर ग्रुप में। अब इधर उधर ग्रुप में शेयर कर रहा था, पता नहीं चल पा रहा था कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि नया था मैं वेबेक्स में, वेबेक्स का यूज करने वालों में, और CGschool.in को भी नया। तो मैंने फिर क्या किया, जून में अपना खुद का स्टूडेंट्स का नंबर कलेक्ट किया, और पहले तो एक साथ एक इंग्लिश क्लब ग्रुप बनाया,
इंग्लिश क्लब ग्रुप में काफी सारे बच्चे मिल गए, तो उसके बाद मैंने मेरी बच्चे मेरे स्कूल के बाद बता रहा, फिर उनको 9th, 10th, 11th, 12th में डिवाइड कर दिया। 9th, 10th, 11th, 12th में डिवाइड करने के बाद उनको इंग्लिश क्योंकि मेरा सब्जेक्ट है इंग्लिश के लिए वीडियोज और लिंक को सबसे पहले मैं लिंक शेयर करना शुरू किया cgschool.in पढ़ाई तुम्हारे द्वार के माध्यम से। और मुझे 28 जून को फोन आया, उस समय तक लिंक इधर उधर भी शेयर करता था, पता चला राज्य में बहुत जगह से मेरे क्लासेस भी जुड़ रहे हैं। आपको बड़ा अमेजिंग लगेगा, आश्चर्यजनक लगेगा, 400 बच्चे तक जुड़े हुए थे मेरे से, है ना, 400 बच्चे तक शुरुआती लेवल पर जुड़े थे। और जून में मेरे पास अचानक से फोन आया मिस्टर गणेश तिवारी जी का, निश्चित तौर पे वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं बस्तर में, लोगों को प्रमोट करते हैं हम टीचर्स को, तो उनने बताया कि सबसे अधिक बच्चे जिनको मैंने पढ़ाया है उस सूची में मैं टॉप पे हूँ। मुझे आश्चर्य, मुझे तो नहीं लग रहा था कि मेरे पढ़ाने से बच्चे ज्यादा अच्छी संख्या में लाभान्वित हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि कैसे क्या हो रहा है। तो मैंने फिर रिसर्च किया, काफी बच्चों से बात किया, तो नेटवर्क वाली प्रॉब्लम जा रही थी, और मैं बोला ये तो इस समस्या का निराकरण कैसे किया जाए, तो मैंने YouTube चैनल बनाया। अभी मेरे YouTube चैनल में लगभग 2200 बच्चे जुड़े हुए हैं, YouTube चैनल के माध्यम से भी वीडियो शेयर करना शुरू किया और स्टडी मटेरियल PDF में बनाना शुरू किया, ये जून की बात है, और cgschool.in में डालना शुरू किया। और फिर बस्तर में जो शुरू किया गया था केबल टीवी, उसको भी मैं जरूर उल्लेख करना चाहूंगा। केबल टीवी का कांसेप्ट बस्तर में हो सकता है एजुकेशन डिपार्टमेंट का रहा हो या कलेक्टर महोदय का रहा हो, और मुझे संपर्क किया गया पढ़ाने के लिए, मुझे बड़ा वो कांसेप्ट देख के बड़ा अच्छा लगा, और लगा कि केबल टीवी के माध्यम से तो इजीली, चूंकि ये सही बात है वन वे उसमें होता है, जो भी है मैं बोलूंगा बच्चा तो केवल रिसीव करेगा, है ना, और टू वे नहीं हो पाता कम्युनिकेशन, लेकिन केबल टीवी में भी प्रतिदिन 300 से अधिक बच्चे जुड़ते थे और जुड़ रहे हैं, तो ये इसमें भी मैंने कोशिश की कि अधिक से अधिक लोगों को फायदा मिले। और फिर सुधीर सर और जो टीम है उनके द्वारा कॉन्सेप्ट आया किसी मोहल्ला क्लास, ये भी मुझे लगा कि मेरे मुझे जब पता चला इसका, तो मैंने जाके संकुल समन्वयक है करपावन बकावन ब्लॉक है जहाँ पे मैं पोस्टेड हूँ, करपावन एक प्लेस है, संकुल वाले से कांटेक्ट किया, फिर हम लोग कुछ एक बच्चों को संपर्क किया, उनके पेरेंट्स शुरू में तो मना कर रहे थे, हम लोगों ने कहा भाई स्कूल कैंपस में बाहर में काफी बड़ा कई एकड़ का है स्कूल कैंपस में, तो वहां पे बच्चों को दूर दूर बिठा के वो करेंगे, तो वो फिर धीरे धीरे मानना शुरू किया, एक भी हो गया, तो वहां पे हम क्लासेस ले रहे थे वहां के संकुल समन्वय के जरिए। और फिर मुझे ध्यान आया कि यार अंदर के गांव में क्या हो रहा है पता किया जाए, बास्तनार में मेरा स्टूडेंट सरपंच संघ का अध्यक्ष है उससे मैंने बात किया, दरभा जो कि ब्लॉक एक बड़ा वो माना जाता है कि नेटवर्क काफी प्रॉब्लम हो सकता है दरभा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, तो वहां एक जगह है पकनार, वहां पे मेरा एक स्टूडेंट है महेश मरकाम करके, उससे बात किया, तो वो संपर्क किया अपने टीचर से बच्चों से, वहाँ पे जो भी थे लोकल जो भी टीचर से बच्चे थे, और उसने बड़ा अच्छा काम कर दिया कि वो सितंबर एंडिंग से मोहल्ला क्लास लेना शुरू कर दिया। 12th में अच्छा मैथमेटिक्स का स्टूडेंट था वो, मेरे स्कूल से पढ़ा था, मैं अपना परिचय दे नहीं पाया, मैं डॉक्टर प्रमोद शुक्ला एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल है करपावन, वहाँ पे तो वहां से जो पास आउट बच्चा था महेश मरकाम, उसने बड़ा अच्छा काम किया, मोहल्ले के बच्चों को कलेक्ट करके मेरे पास फोटो भी भेजा, मैं इसको लैपटॉप में डाल नहीं पाया, मोबाइल पे मैं शेयर कर दूंगा, मतलब वो अच्छा काम किया। उधर बास्तनार वाला सरपंच का जो लड़का है सोमू, वो भी 2-3 शिक्षा सारथियों को, मतलब बस्तर जैसे जगह में शिक्षा सारथी या फ्री में पढ़ाना है इस तरह से माइंड से बच्चे करके बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं तो केवल 2 प्लेस का जानता हूँ, बहुत सारे बच्चे काम कर रहे हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ किसी में उनकी जानकारी दे पाऊँ, चूंकि समय कम है और मैं जो बताना चाहूंगा ये समय काफी कम है। शुक्ला जी, शुक्ला जी जल्दी से बात खत्म करेंगे क्योंकि बहुत कम समय, काफी लोगों को बोलना है। वाइंड अप करो, फिर वाइंड अप करो। और ग्रुप रियलिटी का जो आया था उसका मैंने कोशिश की, अभी लर्निंग स्टेज है लेकिन बड़ा रोचक है, जैसा कि सर ने बताया केरल से मतलब शुरुआत हुआ था,
मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा और इसी समय के साथ आप लोग जो कर रहे हैं है ना, एक इम्प्रेस कर रहे हैं निश्चित तौर पर, ये माइल स्टोन है। और फिर से नाम लेना चाहिए डॉक्टर आलोक शुक्ला सर, सुधीर सर और पूरी टीम को, सत्या सर उनको मैं नहीं भूलूंगा, उनको मैं काफी परेशान किया हूँ कई सारे मामलों में, समझ नहीं आता है। और बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भविष्य का थोड़ा बता दूं कि मैं ये सलाह भी देना चाहूंगा कि कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, जैसे इंस्पायर का हुआ था, इंस्पायर प्रोग्राम, और उसका मैंने EU.IN के माध्यम से लाइव क्लासेस लिया इंस्पायर के लिए। और उसके साथ ही NTSA एग्जाम होता है, विज्ञान पहली प्रतियोगिता परीक्षा CRT का है। ये CGSchool.IN में एक कहीं पे प्लेस देके ऑनलाइन इन सब चीजों का फॉर्म भरने का कुछ ऐसा व्यवस्था कर दिया जाए तो काफी अच्छा रहेगा। बाकी पुनः धन्यवाद और मुझे अवसर दिया इसके लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सीमा मिश्रा मैडम और हमारे साथी शर्मा जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद शुक्ला सर, हमारे सुदूरांचल बस्तर से प्रमोद शुक्ला सर अपना अनुभव साझा कर रहे थे। इसके साथ ही आप सभी जानते हैं कि हमारे हिंदी ब्लॉक के साथ इंग्लिश ब्लॉक भी स्टार्ट हो चुके हैं 1 नवंबर से, जिसके प्रभार के रूप में श्रीमती नीलम कौर कार्य कर रही हैं। तो इंग्लिश ब्लॉक की तरफ से श्रीमती वाणी मसीह जो दंतेवाड़ा से हैं उनका ब्लॉग लगा था, तो हम चाहेंगे कि श्रीमती वाणी मसीह अपना अनुभव साझा करें। प्लीज शॉर्ट में कीजिएगा क्योंकि काफी लोगों को बोलना है। जी जी जी, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, मैं सबसे पहले तो थैंक यू आदरणीय सुधीर सर जी, गौतम शर्मा सर, रागनी मेहरा मैम, सीमा मिश्रा मैम को कहना चाहूंगी कि उन्होंने मौका मुझे दिया बोलने का। और मैं सब थैंक यू पढ़ी तुम्हारे द्वार को बोलना चाहूंगी, क्योंकि जब कोरोना काल में जब स्कूल्स के दरवाजे बंद हो गए थे तो पढ़ी तुम्हारे द्वार के द्वारा हम दरवाजों तक ऑनलाइन कक्षा बच्चों तक जुड़े थे। मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं श्रीमती वाणी मसीह हायर सेकेंडरी स्कूल बालसूर दंतेवाड़ा से हूँ और हमारे एरिया में नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, लेकिन बच्चे फिर भी सेकेंड हैंड मोबाइल लेकर और जो अंदर के गांव के बच्चे थे, जब मैं उनसे जुड़ने की कोशिश की तो बताया कि अंदर में गांव में जहाँ नेटवर्क लाइट ही नहीं है तो नेटवर्क तो होगा ही नहीं, तो वो शहरी इलाकों में आकर किराए में रहने लगे।